आज मैं आप लोगों के सामने फ्यूचरा नॉस्टिक स्टर फ्राई वॉक का अनबॉक्सिंग और मेरे रिव्यूज ऑलमोस्ट एक महीना यूज करने के बाद पेश करने जा रही हूँ। ये वॉक गैस और इंडक्शन दोनों में चलता है। 3 लीटर का कैपेसिटी है। 28 सेंटीमीटर डायमीटर कुछ इस तरह से दिखेगा और अंदर एक इस तरह का वुडन स्पैचुला भी मिलेगा। इसका MRP ₹1900 है बट ऑनलाइन मैंने अमेजोन से ₹1850 में खरीदा है। अब चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, ये है वो वुडन स्पैचुला जो हम बात कर रहे थे। वेट में काफी हल्का है और ठीक ठाक है। फिर ये रहा मैनुअल, स्टेनलेस स्टील का लीड जिसके बारे में भी बात करेंगे जल्दी। और ये रहा वो पैन या स्टर फ्राई वॉक, इसका वेट 1.38 केजीज है। ये है वारंटी कार्ड, ये लो, इसके साथ फ्री में एक स्क्रबर भी मिल गया। बाहर से ये हार्ड एनोडाइज्ड का है और अंदर से हाई क्वालिटी नॉनस्टिक कोटिंग। फ्यूचरा नॉनस्टिक के सारे कुकवेयर्स PFOA फ्री होता है। इस वॉक की अच्छी बात ये है इंडक्शन पार्ट, दोनों हैंडल्स जो कि रोजवुड की बनी है काफी मजबूत है और अच्छा ग्रिप भी देता है। बहुत लोगों ने अमेजोन में रिव्यूज दिया है कि इसका ये जो स्टिकर है ये आसानी से नहीं निकलता, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये देखिए इजिली निकल गया और कढ़ाई बिल्कुल साफ। इसके साथ एक स्टेनलेस स्टील का लिड आएगा जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखिए, ये वॉक का डेप्थ भी काफी है और ये लिड भी अच्छे से बैठ जाता है। अब इसका फाइनल एग्जाम चेक करेंगे कि नॉनस्टिक का क्वालिटी कैसा है बिना तेल के अंडा फ्राई करके। कुछ लोगों का बोलना है कि 2 साल यूज करने के बाद भी कोई स्क्रैच नहीं आया और ना ही कोई चिपिंग हुआ। आप इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रेवी डिशेस भी बना सकते हो। सो फार सो गुड, तो ये टेस्ट पास, बिना ऑयल के कढ़ाई में बिना चिपके अंडा फ्राई हो गया है। ये थोड़ा सा जो लगा है इसे आप एक टिश्यू या कपड़े से भी हटा देंगे तो पूरा क्लीन वॉक रेडी फॉर रीयूज। मेरी तरफ से तो मुझे ये वॉक अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम तेल में स्टर फ्राई वेजेस या नूडल्स अच्छे से बन जाता है बिना चिपके। आशा करती हूँ ये रिव्यूज देख के आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा इस पैन के बारे में। लेकिन अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप कैस्ट आयरन स्किलेट या स्टील कढ़ाई रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके रिव्यूज भी मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू पॉलीज किचन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।